2022 के सियासी समर का शंखनाद हो चुका है। समाजवादी साइकिल गांवों की पगडंडियों और शहरी क्षेत्रों में चलने लगी है। बसपा का हाथी ट्वीट से निकलकर राजधानी समेत विधानसभाओं में विचरण करने लगा है। जहां बीजेपी कमल को सींचने में लगी है, तो वहीं हाथ के पंजे से चुनावी इशारे किए जाने लगे हैं। ये है प्रदेश का सियासी नजारा, यही तो है चुनावी अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे यूपी की सियासत की। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन यूपी का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। वजह साफ है, 2022 का चुनावी कुंभ। इस चुनावी कुंभ में सभी राजनीतिक दल डुबकी लगाना चाहते हैं और प्रसाद के तौर पर यूपी की सत्ता चाहते हैं। आज पूर्वांचल में रैलियों का महाकुंभ देखने को मिला, जहाँ एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गरजे, तो वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश ने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में विजय रथ पर सवार होकर चुनावी हुंकार भरी। चुनाव से पहले यूपी में शनिवार रैलियों का महाकुंभ। पूर्वांचल से सियासी बिसात बिछाने को तैयार राजनीतिक दल। सियासी अखाड़ा बना योगी आदित्यनाथ गढ़ गोरखपुर। योगी शाह और अखिलेश आमने सामने। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में शाह योगी। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने का समय बचा है। इससे पहले ही सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। इन सब के बीच यूपी में शनिवार को रैलियों का महाकुंभ देखने को मिला। पूर्वांचल में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में गरजे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में रैली के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा का जोर इस बार पूर्वांचल पर अधिक है और बीते चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल में बढ़त बनाने वाले सूबे की सत्ता पर काबिज होता रहा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम पूर्वांचल के जिलों में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले ताबड़तोड़ पूर्वांचल के जिलों में दौरे और कार्यक्रम किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में चुनावी हुंकार भी भरी। अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और फिर जनसभा को संबोधित किया। शनिवार अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बीजेपी बड़ी रैली की और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रहे। यहां वे समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की और फिर अखिलेश का विजय रथ कुशीनगर पहुँचा। अखिलेश यादव ने रैली के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा और बोलते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, गरीबों का खून चूसा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी जहां मिलनी थी वो संस्थाएं बेची जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमें आरक्षण से हक और सम्मान मिलता था, अगर संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरियां और रोजगार कहां पर होंगे। ये चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था,
केवल गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने, इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। वही गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आजमगढ़ में रैली को संबोधित करने के बाद बस्ती पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है और यात्राओं, रैलियों और जनसभाओं के जरिए लगातार जुबानी हमले हो रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल भलीभांति जानते हैं कि यूपी की सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। भाजपा जहां कमल को पानी दे रही है तो सपा साइकिल में हवा भर रही है, वही कांग्रेस भी हाथ में चुनावी इशारा कर रही है तो बसपा का हाथी भी मचल रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि कमल, साइकिल, हाथ और हाथी 22 में क्या। फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हो मिलकर आप आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं, सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुंमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं ही अल्फाजों का नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। बात करेंगे पूर्वांचल की। 2022 के रण को लेकर पूर्वांचल का सियासी पारा गर्म है। हर कोई पूर्वांचल में दस्तक दे रहा है, हर कोई दल वोटरों को अपने पाले में रिझाने के लिए पूरा दमखम दिखा रहा है। सवाल यही है, आखिर पूर्वांचल में किसकी बनेगी बात। पूर्वांचल पर सभी दलों की नजर, हर दल झोंक रहा है ताकत। मोदी और शाह की हुंकार, तो अखिलेश का विजय अभियान, माया को सम्मेलनों का ही सहारा। आखिर क्यों सभी दलों की है पूर्वांचल पर नजर।
पूर्वांचल में किसका पलड़ा भारी? पूर्वांचल जीतो सत्ता पाओ। इन दिनों पूर्वांचल का सियासी पारा गर्म है। हर कोई दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंके हुए, फिर चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस और बीएसपी क्यों ना हो, हर कोई पूर्वांचल जीतने के जुगाड़ में है। पूर्वांचल के रण में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद चुके हैं, तो अखिलेश भला कहां पीछे रहने वाले। जहां जहां मोदी रैली कर रहे हैं वहां वहां अखिलेश भी पहुंच रहे हैं। पूर्वांचल सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, सभी चुनावों में बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। 2017 की जंग की बात करें या फिर 2019 की, सभी विरोधियों को बीजेपी ने पटखनी दी। एक समय था जब पूर्वांचल के कई जिलों पर सपा का दबदबा था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया बीजेपी ने सपा के वोट बैंक में सेंधमारी करना शुरू कर दिया। और इसी की देन है कि पूर्वांचल में आज भी योगी का जलवा कायम है और टॉप पर है। योगी के गढ़ में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे और अपनी विजय रथ यात्रा की शुरुआत भी की। गोरखपुर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश के गढ़ यानी आजमगढ़ में योगी और अमित शाह पहुंचे हुए। दोनों ही दलों के बीच जमकर जुबानी हमले हुए। भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतारने का काम और इसलिए भी जरूरी है इनका अहंकार भी इसलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई जानते होंगे यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, पैदावार की कीमत मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने गन्ने की कीमत 340 तय की है। ये हमारे किसान खेत में मेहनत करने वाले, बताओ धान की कहीं खरीद हुई तो बता दे हमें, कोई धान की खरीद हो गई तो बताओ। मित्रों, एक शुरुआत है परिवर्तन की, जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे? ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। इन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान के बाहर कहीं नहीं झांका। विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। मिशन पूर्वांचल में दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे थे। कोई किसी से सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहा तो कोई जिन्ना, आजम और अतीक की बात कर रहा था। यानी चुनाव में लगता नहीं कि विकास भी कोई मुद्दा बनेगा। बात अगर पूर्वांचल की करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 में तकरीबन 115 सीटें मिली थी, जिसके दम पर वह सत्ता पर काबिज हुए थे। सपा को 17 सीटें हासिल हुई थी, बसपा के खाते पर भी 14 सीटें आई थी, कांग्रेस को 2 जबकि अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी।
2012 में जब सपा सत्ता में आई थी तो पूर्वांचल का रोल बहुत अहम था। 2014 का लोकसभा हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 चुनाव में भी यहां भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए भाजपा का यहां पर ज्यादा जोर है। इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। 2022 चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी का दौरा कर कई सौगातें दी। पूर्वांचल में हर किसी दल की नजर है और वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर पूर्वांचल का वोटर किसका साथ देगा? क्योंकि पूर्वांचल के वोटरों को भी पता है कि उनके वोट की कीमत क्या है और किसका साथ देना चाहिए। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। ২০২২ का बिगुल फूक चुका है और सियासी पार्टियां क्या हथकंडे अपना रही, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में चुनावी बिगुल फूक चुका है तो राजनीतिक दल भी तैयार है। तैयार है 2022 के रण में फतेह पाने के लिए, तैयार है सत्ता की कुर्सी कब्जाने के लिए।
इस युद्ध में प्रियंका हो या अखिलेश या फिर सत्ताधारी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, सभी किसी न किसी तरह अपने अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई बुंदेलखंड को साध रहा है तो कोई पश्चिम यूपी की दौड़ लगा रहा है तो कोई पूर्वांचल में पैड बना रहा है। अब देखना यह है कि ये चुनावी दौड़ भाग किसकी किस्मत का ताला खोलती है। यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं। चाहे वह सोनभद्र के उम्भा नरसंहार का मामला हो, हाथरस कांड हो, आगरा या फिर लखीमपुर खीरी, प्रियंका गांधी लगातार पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती रही हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर की आशा कर्मचारियों ने गुरुवार को कांग्रेस की यूपी प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लखनऊ आवास पर मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगे रखी। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पुलिस ने आशा कर्मचारियों से मारपीट की थी। आपको बता दें, वह सभी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी पर मुलाकात नहीं हो सकी। पीड़ित आशा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगे रखी। बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी में सरकार बनने पर आंगनवाड़ी व आशा कर्मचारियों का मानदेय 10,000 रुपए महीना किया जाएगा। तो वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अपना चुनावी अभियान 14 नवंबर से शुरू करने जा रही है। इस यात्रा को महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा नाम दिया गया है, जो 32,240 किलोमीटर की होगी। ये यात्रा 14 नवंबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शुरू होगी और 24 नवंबर तक सभी 403 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के नारे के साथ पद यात्रा निकाली जाएगी। तो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा भी लगातार दहाड़ती हुई आगे बढ़ रही है। सपा की विजय रथ यात्रा का चौथा चरण का कार्यक्रम जारी हो गया है। समाजवादी विजय यात्रा के चौथे दौर में अखिलेश यादव 16 नवंबर को गाजीपुर से आजमगढ़ की यात्रा करेंगे। इस मौके पर अखिलेश जनता के बीच जाकर भाजपा समेत योगी सरकार को घेरेंगे। बता दें कि चौथे चरण से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर को सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से कुशीनगर के बीच होगा। तीसरी समाजवादी विजय रथ यात्रा गोरखपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी, जो एयरपोर्ट से कुसमही जगदीशपुर सोनबरसा होते हुए कुशीनगर पहुंचेगी। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से अभियान में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अमित शाह लगातार यूपी मिशन पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा ऑर्गेनाइजर माने जाने के साथ साथ लक्ष्य के पीछे लगे रहने वाला नेता भी बताया जाता है। अमित शाह 12 और 13 नवंबर को वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के जरिए शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के लिए संदेश देंगे। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले शाह पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में यूपी की रणनीति की कमान संभाल चुके हैं। रणनीतिक लिहाज से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में सदस्यता अभियान के लिए लखनऊ दौरे के साथ शाह चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अमित शाह नवंबर माह में वाराणसी के दौरे पर है, जहां महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे, जिसके जरिए शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के लिए संदेश दे रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले शाह पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में यूपी की रणनीति की कमान संभाल चुके हैं। रणनीतिक लिहाज से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में सदस्यता अभियान के लिए लखनऊ दौरे के साथ शाह चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है।
प्रियंका गांधी जहां प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लगातार भाजपा पर हमलावर हो रही है, इसी चुनावी अभियान की अगली कड़ी को 14 नवंबर से महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा नाम दिया गया है, जिसमें भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के नारे के साथ पद यात्रा निकालने जा रही है। तो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो भाजपा के चाणक्य भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जिसमें वाराणसी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो ये तो तय है कि 2022 के भीषण चुनावी रण में किसको सत्ता की कुर्सी मिलती है, काफी दिलचस्प होने वाला है। इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही, कल 9:30 बजे फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सियासी दांव पेच के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।